हेलो दोस्तों, क्या हाल। इट्स राज हियर। सो वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर 5 हिस्ट्री एंड पैस्टोरेलेट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। जो हमारे मॉडर्न वर्ल्ड के पैस्टोरेलेट्स है उसके बारे में है। तो पहला हम लोग का जो टॉपिक है वो है नोमाडिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ। तो नोमाडिज्म द वे ऑफ लाइफ है क्या है, द माउंटेन नोमैड्स। तो माउंटेन नोमैड्स का कॉन्सेप्ट क्या है, द गुजर बकरवास ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दे पैस्टोरल नोमैड्स हु मूव इन ग्रुप्स आर कॉल्ड काफिला। अब क्या थे कि जो गुजर थे हमारे बकरवास के, कहाँ के, जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर, ये पैस्टोरल नोमैड्स थे जो कि मूव किए थे एक ग्रुप को। तो ग्रुप का नाम है आपका काफिला। देयर मूवमेंट आर गवर्नड बाय द कोल्ड एंड स्नो। इसको आपका कोल्ड एंड स्नो में इस मूवमेंट को गवर्न किया गया था। इन विंटर्स व्हेन द हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विद द स्नो, विंटर्स के टाइम में जब आपका जो हमारा हाई माउंटेन्स होता है वो कवर्ड होता है स्नो से, एंड दिस गुजर्स आर मूव डाउन टू द लो हिल्स। और ये गुजर्स क्या करते थे, नीचे जाते थे हिल्स के, ऑफ द सेवहैलिक रेंज, सेवहैलिक रेंज में जाते थे। ऑन द वन सेट ऑफ समर व्हेन द स्नो मेल्ट्स, समर के टाइम में जब स्नो पिघल जाता था, द माउंटेन्स बिकम लश एंड ग्रीन एंड दीज पैस्टोरेलेट्स मूव बैक टू द माउंटेन्स। ठंडा के टाइम में क्या है, नीचे चले गए लो हिल्स पे, और जब हमारा समर का टाइम आ जाता तो फिर ऊपर माउंटेन्स पे चले जाते थे। द गादी शेफर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश हैव अ सिमिलर साइकिल ऑफ मूवमेंट। गादी शेफर्ड्स ने भी सिमिलर साइकिल चलाया जो मूवमेंट का था। दे ऑल्सो स्पेंड द विंटर ऑन द लो शिवालिक हिल्स। ठीक है, शिवालिक हिल्स पे भी इन्होंने विंटर अपना गुजारा, एंड द समर्स इन लाहुल एंड सिप्ती। ओके, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है द गुजर काटल हेटर्स ऑफ कुमान एंड ग्रवाल स्पेंड देयर समर्स इन बुगियास एंड देयर विंटर्स इन द बहावार। एक सेकेंड देखते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड दोस्तों। जो गुजर कैटल थे, हेटर्स थे, कुमायन एंड ग्रेवाल स्पेंड देयर समर्स, तो ग्रेवाल अपना समर स्पेंड करते थे इन देयर बुगास एंड देयर विंटर्स इन द बहावार। ठीक, फिर हमारा आता है जो कॉन्सेप्ट है बायोटिस का। फर्स्ट ऑफ ऑल द बायोटिस सरपास किनोरी फॉलो द साइकिल मूवमेंट विच हेल्प्स देम टू एडजस्ट टू सीजनल चेंजेस एंड मेक बेस्ट यूज ऑफ पास्चर्स। तो बायोटिस या आपका जो सरपास होते थे या किनोरी होते थे, वो साइकिल मूवमेंट को फॉलो करते थे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड विच हेल्प देम टू एडजस्ट सीजनल चेंजेस, जो कि उनको हेल्प करता था एडजस्ट करने में सीजनल चेंजेस को, एंड मेक बेस्ट यूज ऑफ पास्चर्स, जो कि पास्चर का अच्छा यूज़ कर पाए। फिर आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑन द प्लेटस प्लेन्स एंड डेजर्ट। तो प्लेटस क्या था, द दहानगढ़ ऑफ महाराष्ट्र, द दहानगढ़ स्टे इन द सेंट्रल प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र ड्यूरिंग मानसून। ओके, दिस इज द सेमी एरिड रीजियन एंड बाय द अक्टूबर दे बिगन देयर मूवमेंट टुवर्ड्स कोंकण। ओके, एंड हेयर द कैटल हैव टू मैन्यूर द फील्ड्स एंड हेंस दे आर वेलकम बाय द कोंकणी पेशेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द सेकेंड इज एज सून एज द मानसून सेट इन दे रिट्रीट बैक टू द सेमी एरिड लैंड ऑफ महाराष्ट्र फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द सेकेंड इज गोलास, द गोलास हु हेयर्ड कैटल, एंड द कुरुमास एंड कुरुबास हु रेयर्ड शीप एंड गोट आर फ्रॉम कर्नाटका एंड आंध्र, एंड दे लिव नियर द वुड्स एंड इन द ड्राई पीरियड दे मूव टू द कोस्टल ट्रैक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। द सेकेंड है द बंजारस ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र मूव टू डिफरेंट प्लेसेस इन सर्च ऑफ गुड पेस्चर्स। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका द राइकस ऑफ राजस्थान कंबाइंड कल्टिवेशन विथ पेस्टोरलिज्म एंड व्हेन देयर ग्रेजिंग ग्राउंड्स बिकम ड्राई दे मूव टू न्यू एंड ग्रीनर पास्चर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर आता है आपका पास्टोरियल लाइफ वॉज सस्टेंडेड बाय, ओके, देयर सेंस ऑफ जजमेंट टू नो हाउ लॉन्ग वन मस्ट स्टे इन एन एरिया, एंड द सेकेंड इज टू नो वेयर दे कुड फाइंड फूड एंड वाटर। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टू एक्सेस एंड कैलकुलेट द टाइमिंग ऑफ देयर मूवमेंट। फिर आता है आपका देयर एबिलिटी टू सेट अप अ रिलेशनशिप बिटवीन द फार्मर सो दे दैट दे हर्ट गुड ग्रेज ऑन द हार्वेस्टेड फील्ड। ओके, तो जो हम लोग का एबिलिटी होता है आपका रिलेशनशिप विद द फार्मर सो दैट हर्ट गुड विद द ग्रेज ऑन द हार्वेस्टेड फील्ड। एक सेकेंड गाइस,
Under the colonial rule, the life of the pastoralists changed completely, first of all, and their grazing grounds become less and their movement were regulated. The revenue they had to pay increased and their trade, craft and agriculture produced to be declined. Okay, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है आपको, तो आप इसलिए समझ पाएंगे. तो हाउ ऑल ग्रेजिंग लैंड बिकम कल्टिवेटेड फार्मर्स, फॉरेस्ट एक्ट रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट इन पेस्ट्रियल्स इन टू द फॉरेस्ट. तो इसमें क्या आता था, सम कस्टमर राइट्स वेयर ग्रांटेड टू देम. सेकेंड है आपका फॉरेस्ट वेयर मार्क्ड एज द रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड. इफेक्ट्स देखते हैं, इसका इफेक्ट्स क्या क्या है. नेचुरल रिस्टोरेशन ऑफ द पेस्टोरियल ग्रोथ स्टॉप. सेकेंड आपका क्वालिटी ऑफ पास्चर डिक्लाइंस. थर्ड है आपका इंटेंसिव ओवर ग्रेजिंग. थर्ड है आपका सीरियस शॉर्टेज ऑफ पास्चर. फोर्थ है आपका कैटल डाइट ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ फूडर. फिर आता है आपका ब्रिटिश ऑफिशियल्स वेयर सस्पिशियस ऑफ दिस पेस्टोरियल ग्रोथ. द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट वॉज पास्ड इन 1871. जो क्रिमिनल ट्राइब का जो एक्ट था वो 1871 में पास हो गया. एंड टैक्सेस वेयर इम्पोस्ड ऑन अ कैटल विच वेंट अप रेपिटेडली. जो टैक्स था आपका इम्पोज हुआ था कैटल पे, वो रेपिटेडली बढ़ भी रहा था. अब देखेंगे हम लोग कॉपिंग विथ चेंजेस. सम रिड्यूस टू द नंबर ऑफ कैटल इन देयर हर्ड्स. सेकेंड है सम डिस्कवर न्यू पैस्चर्स. सम बाउट लैंड एंड बिगन टू लीड अ सेटल्ड लाइफ. एंड सम पुअर पेशेंट बोरो मनी टू सर्वाइव. इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम दे लॉस्ट देयर कैटल एंड शिप एंड बिकम अ लेबरर्स. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, खुद का कैटल शिप ये सब खो दिया और खुद नौकर बन गए, लेबर बन गए. तो यहाँ देख सकते हो जो कॉन्सेप्ट है पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका, तो इसका मतलब क्या हो गया, द मसाई एंड चेंजेस इन देयर वे ऑफ लाइफ. तो मसाई क्या था हमारा, द मसाई कैटल हर्डर्स लाइव प्रीमियरली इन ईस्ट अफ्रीका. तो मसाई कैटल था हर्डर्स का, वो प्रीमियरली इन ईस्ट अफ्रीका में रहते थे. रूल्स लॉस एंड रेगुलेशंस हैव चेंज देयर वे ऑफ लाइफ. जो रूल्स लॉस और रेगुलेशंस थे वो चेंज करते थे जो वे ऑफ लाइफ था. एंड देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स विच दे हैव फेस्ड. तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते थे. द मोस्ट प्रोमिनेंट बींग कंटिन्यूस लॉस ऑफ देयर ग्रेजिंग ग्राउंड. सबसे प्रोमिनेंट होता था जो कंटिन्यूस लॉस होता था ग्रेजिंग ग्राउंड का. एंड दिस हैज़ मैनी रीजन. इसमें आपका बहुत सारा रीज़न आता है. स्क्रैम्बल फॉर टेरिटोरियल प्रोसेशन इन अफ्रीका. स्क्रैम्बल होता था आपका टेरिटोरियल पोजिशन जो अफ्रीका में होता था. डिवाइडिंग द रीजन इनटू द डिफरेंट कॉलोनीज. जो आपके रीजन होते थे उसको डिफरेंट कॉलोनीज में डिवाइड करना. थर्ड है बेस्ट ग्रेजिंग ग्राउंड्स बीइंग टेकन ओवर बाय द वाइल्ड सेटलमेंट्स. तीसरा पॉइंट है. फोर्थ है आपका ग्रेजिंग ग्राउंड्स बीइंग कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड लैंड एंड द नेशनल पार्क्स एंड गेम रिजर्व्स फर्स्ट ऑफ ऑल. फिर आपका है द क्वाको लैंड हर्डर्स हैव फेस्ड सिमिलर फेट. जो क्वाको लैंड हर्डर्स थे उन्होंने भी क्या किया, सेम सिमिलरिटी फेस किया. पहला है आपका कन्फाइंड टू स्पेशल रिजर्व. तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे द ट्रेडिशनली पैस्टोरलिस्ट्स मूव टू द डिफरेंट पास्चर्स बट विद द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन देम एंड दिस पास्टोरलिस्ट्स वेयर कन्फाइंड टू स्पेशल रिजर्व. अब ये जो पास्टोरलिस्ट्स थे उन्होंने कन्फाइन किया था स्पेशल रिजर्व को. दे कुड नॉट मूव विथआउट स्पेशल परमिट. वो लोग मूव नहीं कर सकते थे बिना स्पेशल परमिट्स के. दे वेयर नॉट अलाउड टू एंटर द मार्केट्स इन वाइट एरियाज. और इन लोगों को मार्केट जाने के लिए भी अलाउ नहीं हुआ करता था. सम ट्राइब्स वेयर अफेक्टेड बाय द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट. जो कुछ ट्राइब्स हमारे होते थे वो अफेक्ट होते थे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से. इवन देयर ट्रेड एक्टिविटीज़ वेयर एडवर्सली अफेक्टेड. अब क्या था कि जो ट्रेड एक्टिविटी है इसको काफ़ी इफेक्ट हो रहा था. वाई नोमैडिज्म. नोमैडिज्म ही क्यों, तो पेस्टोरलिस्ट्स आर द नोमैडिक. जो हम लोग के पेस्टोरलिस्ट्स थे वो नोमैडिक थे. दिस अलाउस देम टू सर्वाइव बैड टाइम्स. ये अलाउ करते थे कि बैड टाइम में कैसे सर्वाइव करना है एंड अवॉइड क्राइसिस. क्राइसिस को कैसे अवॉइड करना है, सच ए ड्राउट. जो आपके ड्राउट हुआ करते थे. बट लेटर दे कुड नॉट शिफ्ट टू ग्रीनर पास्चर्स. बाद में जाकर के शिफ्ट नहीं हो पाए ग्रीनर पास्चर्स में. एंड देयर कैटल डाइड ऑफ द स्टारवेशन. और इनके जो कैटल थे भूख के मारे मर गए. फिर आता है आपका द मसाई सोसाइटी. तो मसाई सोसाइटी का कॉन्सेप्ट क्या है, तो मसाई सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ एल्डर्स एंड वॉरियर्स. तो एल्डर्स क्या होते थे, रूलिंग ग्रुप डिसाइडिंग द अफेयर्स ऑफ कम्युनिटी. एक रूलिंग ग्रुप हुआ करता था जो कि
डिसाइड करता था जो भी कम्युनिटी का अफेयर्स था एंड सेटल्ड डिस्प्यूट्स, और जितने भी डिस्प्यूट होता था उसको सेटल करने का काम किया जाता था। अब आता है आपका वॉरियर्स, यंग मैन हु कैरीड आउट कैटल रेड्स। एक यंग मैन हुआ करते थे जो कि कैरी आउट करते थे कैटल रेड्स को, डिफेंडेड द कम्युनिटी, कम्युनिटी को डिफेंड करते थे। फिर आपका कॉन्सेप्ट आता है द ब्रिटिश अपॉइंटेड चीफ टू एडमिनिस्ट्रेशन द अफेयर्स ऑफ द ट्राइब। जो ब्रिटिश थे वो अपॉइंट करते थे चीफ को एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि अफेयर हुआ करता था ट्राइब का। एंड दीज चीफ्स वेयर हेल्थी, और ये जो चीफ्स थे काफ़ी वेल्थी थे एंड लिव्ड अ सेटल लाइफ, ये लोग अपना एक सेटल लाइफ जीते थे। एज दे हैड बोथ पास्टोरियल एंड नॉन पास्टोरियल इनकम, पास्टोरियल और नॉन पास्टोरियल का इनकम था। द पुअर पास्टोरियल्स पास थ्रू बैड टाइम्स, जो पुअर पास्टोरियल्स थे वो पास करते थे बैड टाइम को। वर्क एड एज ए लेबर, लोग लेबर के जैसा काम करते थे। एंड देयर वेयर टू इम्पॉर्टेंट चेंजेस, यहाँ पे हम लोग दो इम्पॉर्टेंट चेंजेस देखेंगे। द ट्रेडिशनल डिफरेंस बिटवीन द एल्डर्स एंड वॉरियर्स वर डिस्टर्ब्ड, जो ट्रेडिशनल डिफरेंस हुआ करता था एल्डर्स और वॉरियर्स में वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो गया। सेकेंड है देयर केम टू बी अ मार्क डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर, जो एक मार्क डिफरेंस हुआ करता था रिच एंड पुअर में वो आ गया। फिर आता है आपका डेवलपमेंट विथ पास्टोरियल सोसाइटी, ये हमारा आपका ये टॉपिक। तो ये होता क्या है देखते हैं यहाँ पे। पास्टोरियलिट्स अडेप्ट टू अ न्यू टाइम्स, पास्टोरियलिट्स क्या करते थे अडेप्ट कर लेते थे न्यू टाइम को। दे फाइंड अ न्यू पास्चर, चेंज देयर रूट फॉर देयर एनुअल मूवमेंट, एनुअल मूवमेंट के लिए भी, रिड्यूस देयर कैटल नंबर, प्रेस फॉर देयर राइट्स एक्सेट्रा। इट इज़ बींग एडवोकेटेड टूडे दैट पास्टोरियल नोमाडिज्म इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ सूटेड टू द ड्राई ओके एंड द सेमी एरिड एंड माउंटेनियस रीजन ऑफ द वर्ल्ड। That's it guys, thank you so much guys, please like, subscribe and share my channel how much you can, and thank you so much for your love and support। Jai Hind Jai Bharat, aapka Raj hamesha aapke liye haazir rahega।